कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन आपको अजान सुनाई दे गई तो आपने वहां पर कलमा खुद पढ़ दिया। आप चाहते तो शायद नमाज पढ़ने भी स्वयं जा सकते थे। मध्य प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का अजान के दौरान मुसलमानों को खुश करने के लिए कलमा पढ़ना अब उन्हीं पर पड़ गया है भारी। मंत्री जी अब न सिर्फ बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं बल्कि हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने तो मंत्री जी को माफी मांगने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मंत्री जी ने कभी मंदिर की आरती के दौरान अपना सियासी कार्यक्रम नहीं रोका, लेकिन मुट्ठी भर मुसलमानों को खुश करने के लिए मंत्री जी ने भाषण रोक कर कलमा तक पढ़ दिया। उधर कांग्रेस भी मंत्री गौतम टेटवाल पर तीखे हमले कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि टेटवाल ने आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल को आईना दिखाया है। जाहिर है गौतम टेटवाल का कलमा पढ़ते हुए वीडियो अब हर मोबाइल तक पहुंच चुका है। आज बीजेपी मुख्यालय में संगठन चुनाव की बैठक के दौरान भी टेटवाल का ये वीडियो चर्चाओं में रहा। तमाम दिग्गज टेटवाल के वीडियो पर भी दबी जुबानी से चर्चा करते नजर आए। खबर मिली है कि बीजेपी लीडरशिप ने भी गौतम टेटवाल के कलमा पढ़ने पर नाराजगी जताई है। टेटवाल से बीजेपी ने इस मामले पर सफाई भी मांग ली है। उधर गौतम टेटवाल के अजान के दौरान चुप हो जाने और कलमा पढ़ने के सवाल पर बीजेपी के सीनियर विधायक गोपाल भार्गव ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी नेता ये भी दावा कर रहे हैं कि टेटवाल को जिताने में भी मुसलमानों का ही समर्थन रहा है। जाहिर है जब बात वोट की होगी तो नेता पार्टी लाइन को ज़रूर भूलने की कोशिश करेगा। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। गौतम टेटवाल के इस वायरल वीडियो पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पर कलमा पढ़ना और अजान के समय अपना भाषण रोक देना क्या गलत था? आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।